आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्रिटिकल एंगल की और टोटल डिफ्रेक्शन, या टोटल डिफ्रेक्शन की बात करने जा रहे हैं। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन अ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू विच रिफ्रेक्शन एंगल इज लेस डेंस मीडियम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द टू मीडियम। कहने का मतलब यह है कि वो इंसिडेंट एंगल जिसके लिए जो रिफ्रेक्टेड एंगल होता है वो क्या होना चाहिए, वो 90 होना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर वाला जो है हायर डेंस मीडियम होना चाहिए। जैसे कि ये ग्लास मान लीजिए, ये ग्लास है और ये क्या है, ये एयर है, ठीक है। तो वो इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, मतलब ये टोटली रिफ्लेक्ट हो जाए। ये एंगल कितना बन गया, 90 बन गया। तब उस वक्त पर हम इस आई को क्या कहेंगे, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल सी। इसी एंगल को क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। लो हायर डेंस मीडियम में बना वो एंगल जिसके लिए लोअर डेंस मीडियम में जो रिफ्रेक्टेड एंगल हो वो 90 डिग्री का हो, तो जो इंसिडेंट रे का एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। उस वक्त जब कि रिफ्रेक्टेड एंगल जो है वो कितना हो जाए, वो 90 डिग्री का हो जाए। इस पर अगर हम लोग क्वेश्चन करना चाहें तो क्या हो सकता है क्वेश्चन, इफ द क्रिटिकल एंगल कल एंगल इज 45 डिग्री, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन लेस डेंसर मीडियम। तो साइन सी जो क्रिटिकल एंगल होता है वो बराबर होता है 1/μ के, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के, या इज इक्वल टू बराबर होता है V/c के, ठीक है, V/c के। सो क्रिटिकल एंगल साइन सी दिया गया है, सी दिया गया, सी कितना है, सी दिया गया 45 डिग्री। सी की क्रिटिकल एंगल सी दिया गया 45 डिग्री, और सी स्पीड ऑफ लाइट हम लोगों को पता है 3×10⁸ मीटर/s होती है, ठीक है। तो हमको वी पता करना है, तो साइन 45 इज इक्वल टू वी अपॉन सी। सी की वैल्यू कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर/s, ठीक है। अब इसको साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और ये होती है वी हो गया, और ये हो गया 3×10⁸, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3×10⁸/√2 इज इक्वल टू वी हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी √2 की वैल्यू रख दे, 3×10⁸/1.4 इससे डिवाइड कर दे, ये भी हो जाएगा, तो ये डेसिमल हटाया तो ये 0 हो गया, तो 30 हो गया। 14 2 14 2 28 होता है, बचा क्या, 2 डेसिमल लगाया, फिर 20 हो गया, फिर 14 2 फिर 2 बचा, 14 फिर 1, ठीक है। तो ये हो गया 1×10⁸ मीटर/s, ये किसकी वैल्यू आ गई, वी की वैल्यू आ गई। तो जो लो तो वो जो लोअर डेंसर मीडियम होगा उसमें लाइट की स्पीड कितनी होगी, लोअर डेंसर मीडियम होगा उसमें लाइट की स्पीड कितनी होगी, 2.1×10⁸ मीटर/s, ठीक है। तो इस तरीके से ये बोर्ड में आ सकता है, क्रिटिकल एंगल पर क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, और उस पर एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे सकते हैं।